ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तुला राशि वालों, हो जाओ तैयार, क्योंकि अब आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से 3 नवंबर से 9 नवंबर यानी कि 7 दिनों में बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। जा दोस्तों, इन 7 दिनों में अब आपको बिना मेहनत के फल मिलेगा। इन 7 दिनों में मिलेगा आपको मौका ही मौका, दुनिया वालों की बोलती बंद हो जाएगी। जा दोस्तों, 3 नवंबर से 9 नवंबर यानी कि 7 दिनों में बन रहे गुरु पुष्प अमृत योग में आपकी किस्मत इन 7 दिनों में चमक जाएगी। जा दोस्तों, इन 7 दिनों का समय आपके लिए भाग्य उदय का समय रहेगा। इन 7 दिनों का समय आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली समय साबित होने वाला है। जा दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके 3 नवंबर से 9 नवंबर यानी कि 7 दिनों के संपूर्ण और सटीक राशि फल के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो महत्वपूर्ण है, शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं इस वीडियो को एक लाइक अभी करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु अवश्य लिखें, जिससे भगवान श्री विष्णु जी के आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कैसा रहेगा आपके लिए 3 नवंबर से 9 नवंबर यानी कि 7 दिनों का यह महत्वपूर्ण समय। दोस्तों, यह समय ग्रह स्थिति आपको यह संकेत दे रही है कि अपनी वित्तीय योजनाओं संबंधी कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित रखें। आपको महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल होगी। बुजुर्गों का आशीर्वाद वह स्नेह पाकर आप और अधिक प्रगति पर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, साथ ही साथ यह समय आपके लिए लाभकारी है। अपने सपने व कल्पनाएं साकार करने का यह उत्तम समय है। अपनी क्षमता पर विश्वास रखें। बहुत सी परेशानियों का अब हल मिलेगा। रिश्तेदारों से संबंधित किसी विवाद के सुलझने से रिश्तों में दोबारा मधुरता आएगी। दोस्तों, साथ ही साथ परिवार के साथ सुख सुविधा संबंधी वस्तुओं की खरीदारी में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। किसी रिश्तेदार के यहाँ धार्मिक उत्सव में जाने का भी प्रोग्राम बनेगा। कहीं फंसा हुआ पैसा मिलने से आर्थिक स्थिति और अधिक बेहतर होगी। साथ ही साथ सामाजिक गतिविधियों में आपका सहयोग आपको पहचान और मान सम्मान प्रदान कर रहा है। आपकी प्रतिभा तथा क्षमताएं लोगों के सामने उजागर होंगी। घर के नवीनीकरण संबंधी योजनाएं भी बनेंगी और इनके लिए वास्तु के नियमों का प्रयोग करना और अधिक उत्तम रहेगा। दोस्तों, साथ ही साथ यह समय किसी भी कार्य को करने से पहले घर के अनुभवी व्यक्तियों की सलाह आप अवश्य लें। सोच समझकर लिया गया निर्णय आगे चलकर आपको लाभ देगा। संतान की तरफ से भी कोई शुभ समाचार मिलने से घर में उत्सव भरा माहौल रहेगा। मन मुताबिक समय व्यतीत करने से आप फ्रेश और तनाव मुक्त रहेंगे और अपने अंदर एक नई ऊर्जा का संचार आप महसूस करेंगे। दोस्तों, साथ ही साथ किसी अप्रिय व्यक्ति के घर में आगमन से वातावरण कुछ नकारात्मक भी हो सकता है। इस तनाव का असर आपकी कार्यक्षमता पर भी पड़ेगा। घर के वरिष्ठ व्यक्तियों की सलाह व सहयोग आप अवश्य लें। दोस्तों, साथ ही साथ अनावश्यक यात्राओं को आप स्थगित रखें। लोगों के साथ व्यवहार करते समय सावधान रहें। गलत फहमी की वजह से संबंधों में खटास आ सकती है। बच्चे की किसी नकारात्मक गतिविधि की वजह से चिंता रह सकती है, परंतु शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान भी निकलेगा। दोस्तों, साथ ही साथ किसी प्रकार की निवेश संबंधी गतिविधियों को आप स्थगित रखें, अन्यथा नुकसान जैसी स्थिति आ सकती है। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के प्रति ज्यादा फोकस रखें। साथ ही साथ पड़ोसियों के साथ संबंध खराब ना होने दें। ध्यान रखें कि जरा सी गलत फहमी की वजह से नजदीकी मित्रों या भाइयों के साथ संबंध भी खराब हो सकते हैं। तनाव को अपने ऊपर आप हावी ना होने दें। इसका असर आपकी कार्यक्षमता पर भी पड़ेगा। शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का हल निकालें। किसी अनजान व्यक्ति पर अधिक विश्वास करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है।
फालतू के कार्यों में भी खर्चों की अधिकता रहेगी। साथ ही साथ यह समय किसी भी प्रकार का महत्वपूर्ण आप निर्णय लेने से बचें। आप किसी दुविधा में भी बुरी तरह से फंस सकते हैं, जिसका असर परिवार पर भी पड़ सकता है। बेहतर होगा कि बाहरी लोगों के साथ किसी तरह का भी आप संपर्क कम ही रखें, आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों, बात अगर आपके लव लाइफ की करें तो यह समय घर के वातावरण को उचित बनाए रखने में जीवन साथी का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा तथा किसी मित्र के मिलने से पुरानी यादें ताजा होंगी। पारिवारिक वातावरण उत्तम बना रहेगा। काफी समय बाद रिश्तेदारों से मेल मिलाप खुशी प्रदान करेगी। साथ ही साथ पति पत्नी के संबंधों में भी कुछ खट्टी मीठी नोक झोंक रह सकती है। इसके बाद आपसी संबंधों में और अधिक नजदीकी आएंगी। दोस्तों, विवाहित जीवन में मधुरता बनी रहेगी। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में जीवन साथी की सलाह आपके लिए लाभदायक साबित होगी। प्रेम संबंधों में नजदीकी आएंगी। साथ ही साथ पारिवारिक वातावरण सहयोगात्मक तथा खुशनुमा रहेगा। प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय का आप अवश्य ही लाभ उठाएं। दोस्तों, बात अगर आपके व्यवसाय और कैरियर की करें तो यह समय नौकरी और व्यवसाय में सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होंगे। युवा वर्ग को नौकरी से संबंधित भेजी गई फाइल का सकारात्मक रिजल्ट प्राप्त होगा। नौकरी पेशा व्यक्तियों को कार्य की अधिकता की वजह से घर पर भी ऑफिस का कुछ काम करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में वर्तमान गतिविधियों पर अपना ध्यान केंद्रित रखें, क्योंकि इस समय कोई नया काम या योजना कामयाब नहीं रहेगी। मेहनत ज्यादा और कम परिणाम जैसी स्थिति बनी हुई है। कार्य स्थल पर किसी से बिना बात वाद विवाद भी हो सकता है। दोस्तों, साथ ही साथ यह समय यर्स सट्टा आदि जैसे कार्यों में निवेश आप ना करें तथा गैर कानूनी कार्यों में हाथ ना डालें। किसी प्रकार की इंक्वायरी होने की भी आशंका बन रही है। नौकरी में बॉस व अधिकारी के साथ किसी छोटी सी बात को लेकर तनाव हो सकता है, इसलिए आप सावधान भी रहें। कार्य क्षेत्र में सहयोगी तथा कर्मचारियों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखें, इससे वे लोग पूरी एनर्जी से काम के प्रति अपना ध्यान दे पाएंगे। संगीत, साहित्य और कला संबंधी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। सिर्फ आपको अनुशासित तथा आत्मनियंत्रित रहने की जरूरत है। कार्य स्थल तथा व्यवसायिक स्थल पर आपकी उपस्थिति अनिवार्य है, क्योंकि आपकी लापरवाही से कर्मचारी भी काम पर ध्यान नहीं देंगे। निवेश संबंधी किसी भी प्रकार की योजनाओं को क्रियान्वित करने से पहले सभी पहलुओं पर विचार विमर्श आप जरूर करें। साथ ही साथ कामकाज में बहुत अधिक व्यस्तता रहेगी। आप कुछ ठोस तथा महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे और उन्हें पूरा करने में आप सफल भी रहेंगे, जिससे आपको काफी खुशी का अनुभव होगा। दोस्तों, बात अगर आपके स्वास्थ्य की करें तो यह समय रक्त संबंधी कोई समस्या हो सकती है। आप लापरवाही ना बरतें और अपनी जांच अवश्य कराएं। खास तौर पर महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक रहें, क्योंकि किसी प्रकार के इन्फेक्शन की भी आशंका लग रही है। गैस व पेट दर्द संबंधी शिकायत रह सकती है। खान पान पर नियंत्रण रखें। आयुर्वेदिक चीजों का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। साथ ही साथ एक कारण ही तनाव की स्थिति रह सकती है, जिसका असर आपकी कार्य क्षमता पर भी पड़ेगा। मेडिटेशन में कुछ समय आप व्यतीत करें, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा।